Hello viewers, welcome back to my channel. This is Vishwas. Welcome to the channel Right to Ride. अभी आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें शायद आप लोग को बहुत जन को मालूम नहीं रहेगा कि क्या कैसे करने का है. बताऊँ टॉपिक, थंबनेल आपने देख के समझ ही गए रहेंगे क्या है. वही थंबनेल में मैंने आपको दिखाया था कि जैसे आपका जो ये सुजुकी बोगमैन स्ट्रीट है 125, उसमें जो आपका टाइमिंग है, टाइम हो गया, उसके बाद फिर को टाइम कैसे चेंज करते हैं, उस पर मैंने एक एडिशनल किया है. टाइम के साथ आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका स्पीडोमीटर रहता है ट्रिप भी, उसको भी आप कैसे ज़ीरो कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप कहीं पे ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपका ओडोमीटर रहता है जिसमें टोटल आपका जो किलोमीटर कवरेज कितना आपने किया वो दिखाया रहता है. और अगर आपको इजी पड़ता है ट्रिप ए में, अगर आप ट्रिप ए में वहाँ पे चालू करके जाएंगे तो आपको माइलेज कितना दिया, फिर कितना किलोमीटर आपको मालूम पड़ता है. चले मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ. ये देखिए मैंने ये ऑन किया है, जो डिजिटल वाला रहता है अपना, मैंने यहाँ पे ऑन किया. फिर से दिखा देता हूँ. तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया, दिख रहा होगा सामने. अगर आपको टाइम चेंज करना है, ये जो लेफ़्ट और राइट बटन है दोनों को एक साथ ऐसा प्रेस करिए. देखा होगा जो टाइम वाला है वो ब्लिंक हो रहा है, दिख रहा होगा. ये जो यहाँ पे है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको आप ऐसा क्लिक करेंगे तो आपका आज रहता जो यहाँ पे 5 था अभी 6 हो गया, वो चेंज हो जाएगा ऐसा करके. फिर उसको आपको अभी कितना 5 हुआ था आपके घड़ी से मैच कर लीजिए 5. उसके बाद फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ से आपका ये जो सेकेंड वाला जो है मिनट्स दिखाता उसका चेंज होता है. फिर आपको इसका ऐसा चेंज कर सकते हैं. ईजी है, कुछ नहीं है. फिर से बता देता हूँ, लेफ्ट एंड राइट का जो नीचे का बटन रहता है वो आपको एक ही बार में प्रेस करना है. जैसे एक ही साथ में थोड़े देर तक प्रेस करके रखिए. जैसे प्रेस होने के बाद जैसे हाईलाइट होता है, ये लेफ्ट वाला है, ये आपका आज को हटाए आज को चेंज करेगा कि जो आपका आज है. और ये जो राइट वाला है जहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये मिनट को चेंज करता है. ठीक है, चलिए अब ये हो गया. अब यहाँ पर मेरा था 5 था, हम इसको ऐसा सेट करता. अब इसको ऐसा छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. फिर अगर इसको दोनों को ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपका टाइम सेट हो गया. अभी यहाँ पे आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये दिख रहा होगा बटन आपको यहाँ पे, इसको आप ऐसा एक बार चेक करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये आपका टोटल ओडोमीटर रहता है, टोटल कितना किलोमीटर आप भाग चुके. यहाँ पे दिख रहा है 2191. अभी मैंने लास्ट ही चेंज किया था तो कुछ ट्रिप में मैंने चेंज किया 110 किलोमीटर है, तो मेरे को माइलेज चेक करना था. इसके लिए मैंने कैसा ट्रिप पे चालू करो तो अभी हम जाते हैं ट्रिप बी पे. ये ट्रिप भी जैसे प्रेस करते हैं तो ये राइट वाला जो बटन है, अभी देखिए टाइमिंग चेंज, उसको लॉन्ग प्रेस करिए. देखा, देखिए आपने सामने जो आपको ज़ीरो दिख रहा है. ठीक है, तो जो आपका ट्रिप है, ट्रिप भी चेंज करने का था, वो एक छोटा सा जो था अपडेट मैंने आपको बता दिया है. अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट करिए. अगर आपको कुछ बोगमैन रिलेटेड जानना है तो इस पर आप कुछ कमेंट कर सकते हैं. चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच.